हेलो गाइस, तो ये वीडियो है कैमरा सीरीज पार्ट टू की। इसमें हम बात करेंगे अपर्चर प्रायोरिटी के बारे में। अब जिन लोगों को पता नहीं अपर्चर प्रायोरिटी क्या होती है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं। आपने अपने कैमरे में मोड देखा होगा ए बी, अगर आप कैनन यूज़ करते हैं, और आपने अगर निकॉन यूज़ किया होगा या सोनी यूज़ किया होगा, उसमें ए का जो सिंबल बना होगा, ए लिखा हुआ होता है मोड ऊपर डायल पे, हाँ ये वाला। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे ये मोड क्यों यूज़ किया जाता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। अपर्चर प्रायोरिटी नाम सुन के आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये क्या है। अगर आपको नहीं पता अपर्चर प्रायोरिटी क्या होती है, तो मैं आपको एक सिंपल आइडिया दे देता हूँ, बिकॉज अपर्चर अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है और इसकी वीडियो आगे आएगी आपके लिए। बट मैं अभी कुछ मोड्स क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इन मोड्स का यूज़ क्या होता है। सिंपल वे में देखा जाए तो अपर्चर आपकी फ़ोटोज़ में एक बुके इफेक्ट क्रिएट करता है। वीडियोज़ या फोटोज़ बोथ, दोनों में आपको बुके इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एक सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच में एक डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करता है, ताकि आपका सब्जेक्ट और अच्छा निकल गया है बैकग्राउंड से बाहर। अपर्चर प्रायोरिटी में आपके पास एक्सेस होता है अपर्चर का। आप अपर्चर कितना भी रखना चाहें अपनी मर्जी से, 1.4, 1.8, जितना भी आपके लेंस में होता है आप रख सकते हैं अपर्चर में, अपर्चर प्रायोरिटी में। और सब तो कैमरा हैंडल करता है, बट आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ISO हैंडल करना चाहते हो खुद या नहीं। बिकॉज ISO आप ऑटो मोड में भी यूज़ कर सकते हो और मैनुअल मोड में भी यूज़ कर सकते हो। अपर्चर प्रायोरिटी में, शटर प्रायोरिटी में, प्रोग्राम में, या फिर आपके मैनुअल मोड में आप उसे ऑटो पे भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये लाइटनिंग कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। सो समटाइम प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर भी ISO ऑटो मोड में यूज़ करते हैं। अपर्चर प्रायोरिटी में जब आप फोटोज़ क्लिक करते हो, आपको अगर अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, आपने 1.4 या 1.8 कर रखा है अपना अपर्चर, तो आपका कैमरा खुद ही शटर स्पीड उसकी अकॉर्डिंग कर देगा, आपकी लाइटनिंग मैनेज कर लेगा। अब बात करते हैं इस मोड का यूज़ हम कब करते हैं। जब भी आप इस मोड को लगाते हो तो आपके पास एक्सेस होता है आपके अपर्चर को कम और ज़्यादा करने का। बट समटाइम अगर आप बाहर शूट कर रहे हो और आप बार बार कैमरा चेंज कर रहे हो कंडीशनली, कभी इस लाइटनिंग में कभी उस लाइटनिंग में, और आप मैनुअल में ये सेटिंग्स बार बार चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं रेंडमली अगर शूट करने बैठूं और मुझे एक अच्छा बुके इफेक्ट चाहिए बट मल्टीपल लोग हैं और बार बार मैं चेंज करता हूँ, तो हो सकता है मेरी फ़ोटोज़ अच्छी ना आए, या फिर मैं फ़ोटोज़ सेटिंग चेंज करने में लग जाऊँ और वो मोमेंट निकल जाए। इसलिए अपर्चर प्रायोरिटी का यूज़ किया जाता है ऐसे मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, जहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड ब्लर भी चाहिए अच्छा खासा, और आप बार बार अपनी सेटिंग्स चेंज नहीं करना चाहते, खुद उनमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहते। एंड ऑटो मोड के बाद ये एक सेकेंड स्टेप है, अगर आप धीरे धीरे जब मैनुअल मोड में स्विच करना चाहते हैं बट आप सीधे नहीं कर सकते, तो ये आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करता है जिससे आप इजीली धीरे धीरे उन चीज़ों को सीख सकते हैं और अच्छी खासी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। अपर्चर प्रायोरिटी सच में अपने में बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मोड है कह सकते हैं हम, बिकॉज मैंने खुद ये पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया था स्टार्टिंग में, तो मैं कह सकता हूँ ये बहुत अच्छा मोड है। आप बिगनिंग लेवल पे जब ऑटो से जब स्विच करके आप सीधा इस पे जाते हो, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है आपको मैनुअल मोड की नीड ही क्या है। फिर जब अपर्चर प्रायोरिटी मोड इतना अच्छा है, तो हमें क्या नीड है मैनुअल मोड की, ये क्वेश्चन फिर आपके मन में आएगा ही आएगा जब आप बहुत ज़्यादा अपर्चर प्रायोरिटी मोड यूज़ करने लगे। बड़ी अपर्चर प्रायोरिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शटर स्पीड, बिकॉज शटर स्पीड जब भी आप यूज़ करोगे, अगर आप लो लाइट में हो तो शटर स्पीड ऑटोमेटिकली 1/2, 5, 3 ऐसी हो जाती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज वहाँ पे आपकी वीडियो और फोटोज़ सब में ग्रेन आने लगेंगे और शेक आएगा। अगर आप हाथों से शूट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, बिकॉज कैमरे को नहीं पता आपको कैसी फ़ोटोज़ चाहिए। वो बस इतना सा काम करता है कि अपना एक्सपोजर ट्रायंगल लेके चलता है, जिसमें उसे अपनी फ़ोटोज़ को एक लेवल तक ब्राइट रखना है। उस लेवल तक वो पहुंचाने के लिए आपकी शटर स्पीड, एक्सपोज़र कुछ भी कितने भी लेवल तक ले जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है आपकी फ़ोटोज़ बेकार आ रही हैं, आपकी फ़ोटोज़ में ग्रेन आ रहे हैं। तो यही एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है इस मोड का। इस वीडियो में हम कोई सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सीरीज से रिलेटेड या इस एपिसोड से, या फिर आगे भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो कैमरे से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आप वीडियो बना दूंगा। अगर टॉपिक अच्छा हुआ तो बना लाइक, नहीं तो मैं आपका आंसर दे दूंगा कमेंट में ही।